टू माई चैनल टूडे आई विल लर्न हाउ टू मेक एक्सरसाइज 30 और क्वेश्चन टाइम बिफोर मेकिंग एक्सरसाइज 30 टूडे वी विल लर्न फर्स्ट वाट इज नीट एंड डेयर आफ्टर दैट वी विल नो वाट इज मार्जिनल वर्ब। ठीक है, तो पहले वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पहले सीखेंगे कि मार्जिनल वर्ब होता क्या है। तो मार्जिनल वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिनका उपयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। ठीक है, मार्जिनल वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिसका उपयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। किसी किसी सेंटेंस में नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह रहेगा, किसी किसी सेंटेंस में नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह रहते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। मार्जिनल वर्ब दो तरह का होता है। ठीक है, सबसे पहले जान लिए मार्जिनल वर्ब होता क्या है। तो मार्जिनल वर्ब वैसे वर्ब को कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल वर्ब बेसिकली दो तरह के होते हैं, नीड और डेयर। नीड और डेयर, ठीक है। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब ना हो तो नीड और डेयर मेन वर्ब के तरह कार्य करेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे ये सेंटेंस को देखते हैं, लिखा हुआ है ही नीड्स ए सर्वेंट। नीड्स के अलावा और कोई मेन वर्ब है यहाँ पे? सर्वेंट तो मेन वर्ब है नहीं, तो नीड या डेयर, इसके जगह डेयर रहता है, अभी तो नीड है, तो नीड या डेयर के अलावा और दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं रहेगा, तो नीड और डेयर यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, जब क्वेश्चन टैग हम लोग बनाएंगे तो उस समय जैसे देखेंगे कि उस समय हम लोग सीखेंगे कि मेन वर्ब का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ ये याद रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं रहेगा तो नीड और डेयर वहाँ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसे इसका नेगेटिव क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट नीड सर्वेंट, इसका नेगेटिव है। काकि चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, यदि किसी वाक्य में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब ना हो तो उस अन्य कोई मेन वर्ब के पहले टू लगा हो तो नीड और डेयर भी मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी। क्या मतलब होता है इसका, यहाँ लिखा हुआ यदि किसी वाक्य में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब हो, इसमें क्या लिखा हुआ था, नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब नहीं हो। इसमें बोल रहा है नीड और डेयर के अलावा भी अलग अन्य कोई वर्ब है और उस अन्य कोई मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। अन्य कोई मेन वर्ब के पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, तो नीड और डेयर भी वहाँ पे मेन वर्ब के तरह ही कार्य करेगी, वहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी। इसका मतलब भी कोई सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही नीड्स टू गो टू मार्केट, अगर नीड और डेयर के अलावा भी और दूसरा कोई मेन वर्ब है, और भी दूसरा कोई मेन वर्ब है, उसे दूसरा कोई मेन वर्ब के पहले अगर टू लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं बन जाएगा, ये भी मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा। क्लियर है कि यदि किसी सेंटेंस में नीड या डेयर के अलावा अगर कोई और मेन वर्ब है और उस और कोई मेन वर्ब के पहले अगर टू लगा हुआ है तो नीड और डेयर मेन वर्ब के तरह काम करेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम से पहचान सकते हैं, यहाँ नीड या इसके डेयर होता है, मान लीजिए नीड लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, तो देख रहे हैं कि नीड या डेयर के अलावा भी कोई मेन वर्ब है, उसके पहले टू लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब ही रहेगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब आए और उसके पहले टू नहीं लगा हो तो क्या होगा, आज हम लोग उसको देखते हैं। यदि किसी वाक्य में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब ना हो और उस अन्य कोई मेन वर्ब के पहले टू ना लगा हो तो नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। इसका क्या मतलब होता है, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा अन्य कोई मेन वर्ब हो और उसके पहले टू नहीं लगा हो, इसके पहले क्या देखें हम लोग, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर हो और उसके अलावा भी कोई मेन वर्ब हो उसके पहले टू लगा हो, इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावे और कोई मेन वर्ब हो और उसके पहले टू नहीं लगा हो तो यहाँ पे नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा तो एक्सरसाइज 30 बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, वी नीड योर हेल्प, नीड और डेयर या नीड है, इसके जगह डेयर भी हो सकता है, इसके अलावा और कोई मेन वर्ब है, बिल्कुल है, हेल्प लिखा हुआ है, इसके पहले टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये मेन वर्ब होगा, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब।
यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब हो उसके पहले टू नहीं लगा हो तो नीड और डेयर यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, नीड और डेयर यहाँ हेल्प मेन वर्ब नहीं होगा, नीड और डेयर यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पढ़े हम लोग मार्जिनल वर्ब क्या होता है, तो वैसे वर्ब जिसका उपयोग कभी मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। मतलब यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर हो तो उसका उपयोग कभी कभी मेन वर्ब के रूप में तो कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर लेते हैं। कौन सा दो वर्ब है मार्जिनल वर्ब में? नीड और डेयर। मार्जिनल वर्ब में दो ऐसे वर्ब हैं नीड और डेयर जिसका उपयोग कभी कभी मेन वर्ब और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, जैसे हम जैसे मेन वर्ब क्या मान लीजिए इट लिखा हुआ है, तो इट का उपयोग इट का यूज हम लोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कर लेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन नीड और डेयर ऐसा मेन वर्ब है, ऐसा मार्जिनल वर्ब है जिसका यूज कभी कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो कभी मेन वर्ब के रूप में देखने को मिलता है। इसका दो तीन नियम है, दो तीन रूल है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या पड़ेगी, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा, नीड रहे या डेयर रहे इसके अलावा दूसरा कोई मेन वर्ब नहीं हो तो ये मेन वर्ब की तरह ही काम करेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नीड और डेयर के अलावा और कोई मेन वर्ब है यहाँ से यहाँ तक में? कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। उसके बाद क्या पढ़े, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा और कोई मेन वर्ब हो उस और कोई मेन वर्ब के पहले यदि टू लगा हुआ है तो नीड और डेयर भी मेन वर्ब की तरह ही काम करेगी, यहाँ वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। ठीक, एक और चीज़ क्या पढ़े, यदि किसी सेंटेंस में नीड और डेयर के अलावा और दूसरा कोई मेन वर्ब हो और उस मेन वर्ब के पहले टू नहीं लगा हो, टू लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है तो नीड और डेयर वहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। अगर ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गया है तो एक्सरसाइज 30 बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो बहुत जल्द एक्सरसाइज 30 का वीडियो भी लाने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।